18वीं तरमीम के अंदर आर्टिकल 140A मौजूद है जो ये कहता है कि बल्दियाती यानी थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट को आपने बाइख्तियार करना है, वहां से जो फंड्स जमा होते हैं, मिसाल के तौर पर वफाक एनएफसी के अंदर तकरीबन 900 अरब सिंध को देता है, सिंध हुकूमत कराची और हैदराबाद से जो सर्विसेज टैक्स वसूल करती है वो तकरीबन 300 अरब से जायद है। ये 1100 अरब रुपए लग कहां रहे हैं, जा कहां रहे हैं? अगर शहरी इलाकों के अंदर आपने बिल्कुल इंतकाम लिया है उन लोगों से कि जो आपको वोट नहीं देते, तो आप कम अज कम लाड़काना को ही बेहतर कर देते, आप कम अज कम सेवन को ही कुछ डेवलप कर देते, आप घोटकी के अंदर कोई तब्दीली ले आते, आप कोई नवाबशाह के अंदर कोई बेहतरी ले आते। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि सिंध के जो दही इलाके हैं वहां का हारी भी जिस तरह से पिस रहा है, जिस तरह से वो परेशान है, उस पर भी कोई गौर नहीं किया जाता। आपके सामने है कि लड़की को कुत्ता काट ले तो उसकी वैक्सीन नहीं है, उसको तड़प तड़प के कराची तक पहुंचने में टाइम लगता है और अपनी जान से हाथ धो बैठता है। थर के इलाके के अंदर पीने का पानी नहीं है। ये 1100 अरब रुपए जाते कहां है? ये जो फंड मिलते हैं एनएफसी के जरिए और जो आप सर्विसेज टैक्स वसूल करते हैं, ये लगते कहां है? इसको बेहतर करने की जरूरत है।